भारत की महान पौराणिक कथाओं का संग्रह। सब्सक्राइब करें भक्ति कथा। प्रणाम महर्षि अगस्त। भैया कार्तिकी के चरणों में अनुज श्री गणेश का प्रणाम। हे अग्र पूजा के अधिकारी गजानन श्री गणेश, आपने शैल आश्रम में पधारकर हमें धन्य कर दिया। आपका स्वागत है श्री गणेश। अनुश्री गणेश, अनुश्री गणेश। भैया कार्तिकेय। गजानन श्री गणेश और कुमार कार्तिकेय की। 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 भैया कार्तिकेय, मैं कितनी योजनाएं बनाता हुआ आ रहा था, किंतु आपकी दिव्य दृष्टि ने मेरी समस्त योजनाएं ध्वस्त कर दी। कैसी योजनाएं अनुज श्री गणेश? यही कि मुझे देखकर आप चकित हो जाएंगे। फिर मैं आपको अपना परिचय दूंगा कि मैं आपका अनुज गणेश हूँ, किंतु आप तो मुझे देखते ही अपने दिव्य दृष्टि से पहचान गए। दिव्य दृष्टि से नहीं, संबंधों के प्रेम की दृष्टि से। और सत्य तो ये है अनुज श्री गणेश कि संसार का हर जीव तुम्हें बिना परिचय ही भली भांति पहचानता है। किस प्रकार भैया? अनुज श्री गणेश, ये संसार परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही प्रकट हुआ है और तुम परम देव श्री महागणेश के दिव्य अवतार हो। इस कारण तुम्हें पहचानना किसी भी जीव के लिए कठिन नहीं है। प्रिय शिष्य कार्तिकेय, अपने अनुज से बातें ही करते रहोगे या इनका स्वागत सत्कार भी करोगे? क्षमा करें ऋषिवर, मैं ये स्वागत सत्कार करवाने नहीं अपितु भैया कार्तिकेय को कैलाश ले जाने आया हूँ। कैलाश ले जाने? महर्षि, मुझे भली भांति ज्ञात है कि आपके आश्रम में रहकर भैया कार्तिकेय ने दक्षिण के क्षेत्र में धर्म और शिव भक्ति का अद्भुत प्रचार किया है। इनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल गई है, किंतु भैया कार्तिकेय के बिना मेरा कैलाश पर मन नहीं लगता। श्री गणेश, भाइयों में तो जन्म से ही प्रेम होना स्वाभाविक है, किंतु आप दोनों में तो सांसारिक प्रेम होने के अतिरिक्त परालौकिक प्रेम भी है। इस दिव्य प्रेम के मध्य मैं कैसे बाधा बन सकता हूँ? अर्थात आपने भैया कार्तिकेय को कैलाश जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी? हाँ श्री गणेश। भैया अब विलम्ब न करें, कैलाश पर सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो शीघ्र ही चलते हैं। प्रणाम गुरुवर। जाओ पुत्र, शिव कृपा से तुम्हारी कैलाश जाने की मनोकामना पूर्ण हुई। तुम दोनों का कल्याण हो। आपका स्वागत कैलाश में किस वस्तु से होगा? किस वस्तु से? मोदक से। मोदक? भला ये क्या होता है? वह कुछ ना कुछ तो होता है भैया, किंतु क्या होता है ये रहस्य मैं आपको नहीं बताऊंगा। देखता हूँ कि आपकी दिव्य शक्ति मोदक के रहस्य को पहचान पाती है अथवा नहीं। श्री गणेश, मोदक का रहस्य तो मुझे इसी समय ज्ञात हो गया। कैसे भला? मोदक खाने की कोई स्वादिष्ट वस्तु है जो मेरे अनुज श्री गणेश को प्रिय है। आपने कैसे जाना? तुम बड़े भोले हो श्री गणेश, स्वयं ही तो कह रहे हो कि मेरी दिव्य शक्तियाँ स्वादिष्ट मोदक के रहस्य को पहचान सकती है अथवा नहीं। अब स्वाद से जुड़ा हुआ रहस्य तो किसी खाने की वस्तु से ही जुड़ा होगा ना? बहुत चतुर हो भैया, मोदक का रहस्य तो आपने जान लिया, किंतु उसे खाकर तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। तुम्हारे श्रीमुख को देखकर ऐसा लग रहा है कि मोदक का स्वाद दिव्य होगा।
चलो शीघ्र ही कैलाश चलते हैं। अनुज श्री गणेश, भला तुम्हारा वाहन मूषक मेरे वाहन मयूर के साथ कैसे उड़ पाएगा? मूषक रॉन्च, बड़े भैया की जिज्ञासा का समाधान करो। प्रणाम मुरुगन स्वामी, आप चिंता न करें, श्री गणेश के स्पर्श से मुझमें दिव्य शक्तियाँ प्रकट हुई हैं। मैं जल थल अथवा आकाश कहीं भी गमन कर सकता हूँ। चले भैया, आकाश मार्ग से कैलाश चले। चलो वाहन मयूर। मुरुगन स्वामी कुमार कार्तिकेय की, मूषक वाहन पति श्री गणेश की। मुरुगन स्वामी कुमार कार्तिकेय की, मूषक वाहन पति श्री गणेश की। मुरुगन स्वामी कुमार कार्तिकेय की। गजानन श्री गणेश और कुमार कार्तिकेय की। गजानन श्री गणेश और कुमार कार्तिकेय की। एक बात पूछूं भैया? अवश्य। सच सच बताओगे? अनुज श्री गणेश, शिव पुत्र होने से अधिक मेरा सम्मान शिव भक्त होने से है, और शिव भक्त कभी भी असत्य नहीं बोलते। बड़े भैया, मुझ विचित्र रूपधारी गज मुख को देखकर पहले पहले आपको कैसा लगा? अति सुंदर, अति दिव्य और अत्यंत शुभ रूप है तुम्हारा श्री गणेश। तुम्हारे मुख को देखते ही प्रणाम करने को जी चाहता है। ना भैया ना, ऐसा अनर्थ ना करना। बड़ा भाई छोटे भाई को प्रणाम करेगा तो हमारी धर्म संस्कृति और मर्यादा तो नष्ट हो जाएगी ना। ये छोटे या बड़े का प्रश्न नहीं है। तुमने ये जो पूज्य रूप धारण किया है, ये परम देव श्री महागणेश का प्रतीक है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि तुम परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार हो। तुम्हें प्रणाम करने वाला वास्तव में परम देव श्री महागणेश को ही प्रणाम करेगा। अर्थात बड़े भैया, आप चाहते हैं कि मैं श्री महागणेश का अवतार होने के कारण आपके चरण स्पर्श करके आपका आशीर्वाद न प्राप्त करूं? भैया, मुझे आप पुण्य संचित करने से क्यों रोक रहे हैं? तुम अत्यंत चतुर हो श्री गणेश, बातों में तुमसे पार पाना तो अति कठिन है। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश देवा, माता जा की पार्वती पिता मा देवा। अरे भैया श्री गणेश, तुम्हारा वाहन मूषक तो गायक है। हाँ भैया, यात्रा में मनोरंजन करने के उद्देश्य से यह प्राय मुझे अपने गीत और संगीत सुनाता है। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि यह केवल मूषक ही नहीं, गंधर्व भी है भैया। लय ताल और संगीत तो इसकी आत्मा में बसे हैं। इसका वास्तविक नाम क्रौंच गंधर्व है। यह क्रौंच पक्षी के समान चहचहाता है और अपने संगीत कला से मानव तो क्या देवताओं को भी मुग्ध कर सकता है। फिर तो मैं इन क्रौंच गंधर्व महाशय से शास्त्रीय संगीत सुनना चाहूँगा। अवश्य सुनाऊंगा बड़े भैया, अवश्य। इस समय के अनुसार मैं आपको आलाप सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। स्वामी श्री गणेश, यदि आपकी आज्ञा हो तो। अवश्य अवश्य क्रौंच गंधर्व, लगता है तुम्हारे हृदय में सोया हुआ संगीत जाग उठा है। तुम्हारे अलौकिक संगीत का आनंद हम लेना चाहेंगे। अवश्य। छाई घटा घन घोर रमितवा, छाई घटा घन घोर रमितवा, मितवा रे छाई घटा घन घोर रमितवा, छाई घटा घन घोर रमितवा। नाचे मयूरा पंख पसारे, नाचे मयूरा पंख पसारे, छाई घटा घन घोर रमितवा, छाई घटा घन घोर रमितवा, मितवा रे मितवा, छाई घटा घन घोर रमितवा। नाचे मयूरा, नाचे मयूरा पंख पसारे, नाचे मयूरा पंख पसारे, छाई घटा घन घोर रमितवा, छाई घटा घन घोर रमितवा।
सुंदर, अति सुंदर। तुम धन्य हो अनुश्री गणेश, तुम धन्य हो, और धन्य है तुम्हारा वाहन मूषक। क्रौंच गंधर्व ने हमारी कैलाश यात्रा को कितना सुखद बना दिया अनुश्री गणेश। महर्षि अगस्त्य के आश्रम से कैलाश तक की दूरी का हमें पता ही नहीं चला। अब तो हम कैलाश के बहुत समीप हो गए ना। हाँ भैया। प्रलंबासुर, क्या तुमने उसे पहचाना नहीं? कंदुकासुर। किसे? मैं तो इन दोनों विचित्र प्राणियों को पहली बार देख रहा हूँ। समझ में नहीं आता चूहा आकाश में कैसे उड़ सकता। लगता है दोनों मायावी हैं। हाँ, इन्होंने मायावी युद्ध करके ही हमारे स्वयंभू असुर सम्राट तारकासुर का वध किया था। हमें इनसे प्रतिशोध अवश्य लेना चाहिए। तुम्हारी दूरदृष्टि प्रशंसा के योग्य है प्रलंबासुर। तुम इतनी दूर से भी हमारे दुष्चत्रु कार्तिकेय को पहचान गए। पहचान ही नहीं गया कंदुकासुर, इसे देखकर मेरे मन में प्रतिशोध का ज्वालामुखी फटने लगा है। अपने महान असुर सम्राट तारकासुर की हत्या करने वाले इस हत्यारे को मैं कदापि जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसे जीवित छोड़ना हमारे असुर होने पर कलंक लगा देगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ प्रलंबासुर। एक और एक मिलकर ग्यारह होते हैं। चलो हम दोनों मिलकर बात ही बात में इसको मसल डालें। ठहरो प्रलंबासुर, ये दोनों मायावी पराक्रमी भी हैं। वृद्ध होने के कारण तुम्हारी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है कंदुकासुर। तुम क्या कहना चाहते हो? स्मरण करो कंदुकासुर, महान असुर सम्राट तारकासुर ने मरने से पहले हम बचे हुए असुरों को अपनी वरदानी शक्ति प्रदान कर दी थी। हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर को छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तुम धन्य हो प्रलंबासुर, तुम धन्य हो। धन्य है तुम्हारी स्मरण शक्ति। उचित समय पर स्वयंभू सम्राट तारकासुर से प्राप्त वरदानी शक्ति का स्मरण करवाकर तुमने इन दोनों के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। विलंब तो वैसे भी बहुत हो चुका है कंदुकासुर। इन पर्वत कंदराओं में न जाने कब से हम उन दुष्ट देवताओं के भय से दुबके पड़े थे। अब हमें अपने शरीर को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाकर इन शत्रु देवताओं को समाप्त कर देना चाहिए। हमारे आसुरी प्रहार इन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हाँ कंदुकासुर, तुम अपने नाम के अनुसार गेंद के समान उछलकर कार्तिकेय के सिर पर प्रहार करो, और मैं अपने नाम के अनुसार अपने शरीर को लंबा बनाकर इन दोनों को भयभीत करते हुए अपने हाथों से मसल डालूंगा। तेरे स्वामी स्वयंभू सम्राट तारकासुर की हत्या करने वाले दुष्ट कार्तिकेय, तेरे ही कारण आज असुर जाति अनाथ हो गई है। मूर्ख असुर, भैया कार्तिकेय तो अनाथों के नाथ हैं, तू इनकी शरण में आ जा। अब तुम सब हमारी शरण में आओगे विचित्र प्राणी। तुझे आज एक लंबे समय के पश्चात देखने के बाद अब हमारी सोई हुई शक्ति जाग गई है। अब हम दोनों मिलकर तुम्हें समाप्त कर देंगे। Ha 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 ha
शिवाय। बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई को कष्ट करने की आवश्यकता भी क्या है।